हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, यह है आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए और आपका मैसेज क्या है अपने पार्टनर के लिए। तो ये आज मैं रीडिंग करूँगी, ये एक शॉर्ट रीडिंग है गाइज। तो इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त और आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, ये हम देखेंगे। राइट साइड में होगी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और लेफ्ट साइड में होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, अभी इस वक्त अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं अभी सेम इस वक्त, करंट एनर्जी जब भी आप देखेंगे, जिस भी वक्त आप देखेंगे उस वक्त की एनर्जी होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं आपकी फ़ोटो लगाकर, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं क्यों मुझसे परेशान हैं और मेरी फ़ोटो लगा लगा के परेशान कर रहे हैं आप लोगों को भी, चाहे कमेंट सेक्शन हो चाहे इंस्टा हो। तो आप लोग ध्यान रखें, मैं कभी भी किसी को भी मैसेज नहीं करती हूँ, रिप्लाई करूँगी कमेंट में तो आपके कमेंट के नीचे मेरा रिप्लाई आएगा, बट मैं कभी नंबर उंबर नहीं देती हूँ, कभी मैं सामने से किसी को गिड़गिड़ाती नहीं हूँ कि आके मेरे से पर्सनल रीडिंग लो, बल्कि मेरा नंबर ही दो दो हफ्ते में एक बार आता है, मैं ओवरबुक्ड होती हूँ टच वुड। तो कभी भी आप लोग ऐसे मैसेजेस पे ध्यान ना दें, अवेयर रहें, सतर्क रहें। दुनिया फ्रॉड है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं। तो मेरा नंबर जब भी आएगा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा, और कहीं कभी भी मैं अपना नंबर नहीं बांटती हूँ, ना ही मैं किसी को मैसेज करके बोलती हूँ कि मेरे से बात करो या मेरे को मैसेज करो या मेरे को रीडिंग लो, ये सब काम मैं नहीं करती। और आप मेरे व्यूवर्स हैं इतने साल से, आप जानते हैं मेरा कैसा नेचर है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है आपका आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन का आपके लिए। म्यूचुअल मैसेज भी ले लेते हैं, वन म्यूचुअल मैसेज फ्रॉम योर साइड, वन म्यूचुअल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन साइड। देवदत्त पकड़ो इसको, वन म्यूचुअल मैसेज फ्रॉम योर साइड, वन म्यूचुअल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन साइड, ठीक है। चलिए तो तीन कार्ड लूँगी मैं आपके लिए मैसेज। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए और ये आपका मैसेज है आपके पर्सन के लिए। तो हम पहले देखेंगे आपका क्या मैसेज है आपके पर्सन के लिए। सेक्सुअल फ्रीडम, मैच्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, ओके। तो आप में से कई लोगों का मैसेज ये है अपने पर्सन के लिए कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें या वो आपको मैसेज करें, वो आपसे बातें करें। आप चाहते हैं कि वो आपको प्रायोरिटी दें, वो चाहते आप चाहते हैं कि वो आपको समय दें, टाइम दें, वो आपके साथ भले मिल ना पाएँ या भले डिस्टेंस हो, बट वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करें। आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पहले की तरह लोअर एनर्जी में नहीं हैं, आपने काफ़ी अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को ही अपना कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं या मानती हैं और आप किसी और की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को डिवोट किया है अपने पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऐसा आपका थॉट है, ऐसा आपका मैसेज है आपके पर्सन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर है नंबर 41 क्राउन चक्रा, नंबर 37 सोलर प्लेक्सेस एंड नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पे मिरर नंबर है 1441, मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। केयरिंग कनेक्शन, यहाँ से कंपैटिबिलिटी, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि आप किस जर्नी का पार्ट हैं। आप में से कई लोग हो सकता है कार्मिक हों, अपने कार्मिक से डील कर रहे हों, आप जानते हुए भी उसको नहीं छोड़ सकते, आप जानते हैं कि आप कर्मा हैं, आपको फेस करना है। आप में से कई लोग अपने सोलमेट के साथ हो सकते हैं, बहुत ही प्यारा रिलेशन हो सकता है,
आप में से कई लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो सकते हैं। आपको पता है कि आप किस जर्नी का पार्ट हैं, आपका इंट्यूशन जानता है, और आप जिस भी जर्नी में हो, डजेंट मैटर, आप अपने जो बंदा है या बंदी है उससे ट्रू लव करते हैं, और आप उनको यही बोलना चाहते हैं कि चाहे आप जैसे भी हैं, टेढ़ा है बट मेरा है वाली एनर्जी है, आप जैसे भी हैं, जो भी हमारा बॉन्ड है, जो भी हमारा कनेक्शन है, डजेंट मैटर, आई लव यू, ये वाली एनर्जी है। चाहे आप दुखी हैं तो मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी, अगर आप सुखी हैं तो मैं आपके लिए खुश होऊंगा या होंगी, ये वाली एनर्जी है। मतलब हर चीज़ आप उनके साथ बांट कर चलना चाहते हैं, इतना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं। सो ये मैसेज है। समटाइम्स आपका मूड स्विंग हो जाता है, समटाइम्स आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कितने ब्लॉकेजेस हैं, कब हील होंगे, मैं तो इतनी बैलेंस्ड हूँ बट क्यों नहीं कुछ हो रहा है, वो एक्शन कब लेंगे, वो कब मेरे बारे में जानेंगे या इस जर्नी के बारे में जानेंगे। एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है जो आप उनसे बताना चाहते हैं या उनसे सुनना चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी मुझे निकल के मिली है। देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। फर्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का द गार्डन। सेकंड मैसेज है आपकी तरफ सेक्सुअल फ्रीडम, इनकी तरफ इंटीमेसी मिरर कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा ल्यूमिनोसिटी मिरर कर रहे हैं आप दोनों। सो इनका जो मैसेज है बहुत क्लियर है। इनके लिए हमेशा से देखिए मटेरियल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस रखी हैं, अभी भी हैं। इनका इमेज, इनका करियर, इनका फेम, इनका पैसा, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इनकी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हों, जितने भी बिजी हों, लेकिन ये आपको भूलते नहीं हैं। ये इनका मैसेज है आपके लिए कि चाहे मैं जितने भी दूर रहूं, जितने दिन भी दूर रहूं, जितने टाइम भी तुमसे बात ना हो, लेकिन तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें याद नहीं करती या करता, या मैं तुम्हें मिस नहीं करती या मिस नहीं करता। जब भी मैं अकेला होता हूं या होती हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता हूं या सोचती हूं। अगर आपको ट्रस्ट इशूज़ है तो ये जो बीमारी है वो अपने दिमाग से निकाल दो। इस तरह का शक का कीड़ा अपने दिमाग में रखना अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत शक करते हो सकता है आप ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो। तो ये चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं। और क्या बोलना चाहते हैं? नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, एंड नंबर 40 थर्ड आई चक्रा। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये हील हो रहे हैं, इनके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनके लाइफ में सच्चाई सामने आ रही है। धीरे 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 इनके जो भी कार्मिक लेयर्स हैं वो रिलीज़ हो रही हैं और ये बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, और ये हीलिंग के साथ साथ हैप्पी भी फील कर रहे हैं, पहले से लाइट फील कर रहे हैं। इनको भी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या इनके ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। प्लस ये आपको भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं। तो ये मैसेज है इनका आपके लिए। अब हम देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं, आप दोनों का म्यूचुअल मैसेज एक दूसरे के लिए क्या है। तो नीचे के मैसेज आपके हैं और फिर आपके पर्सन के हैं। वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पर देखिए आप एंजल ऑफ लव हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, और ये अपने लाइफ में आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर आप कमिटमेंट चाहती हैं, ये बैलेंस चाहते हैं। मतलब ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। माय गॉड, आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, ये भी कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप भी इनके बिना अधूरा फील करती हैं या करते हैं, ये भी आपके बिना अधूरा फील करती हैं या करते हैं। यिन एंड यांग विद कमिटमेंट, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइज, मज़ा आ गया। सो ये है आज के लिए आपके लिए पावरफुल रीडिंग और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। आपके पर्सन आपको एंजल ऑफ लव समझते हैं, आपने हमेशा हर कंडीशन में इनका साथ दिया है, हर कंडीशन में आपने इनको प्यार दिया है, इनकी केयर की है, रिस्पेक्ट की है, नर्चर किया है, इन्हें सपोर्ट किया है, शक्ति बने हो आप इनकी। और आप भी चाहते हो कि ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट दें और ये भी आपको प्रॉपर कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए यहाँ से ये मिरर हो रहा है, यहाँ से ये मिरर हो रहा है। सो ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो है यिन एंड यांग। आपके पर्सन का भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपके पर्सन का भी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस हो रहा है, जो कि आपका बैलेंस हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, आपके लिए स्टैंड लें, आपको कमिटमेंट दें, और ये भी चाहते हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो इनकी तरफ से भी पॉजिटिव एफर्ट होगा और आपकी तरफ से भी पॉजिटिव एफर्ट होगा।
सो ये है आज की पावरफुल एनर्जी। होप आपको इस एनर्जी से गाइडेंस मिली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है, आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।